हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होके। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग सीजन मटेरियन की जो नई अचीवमेंट आई है वो किस तरह कंप्लीट कर सकते हो। तो 1.5 जब आई है तो उसके साथ बहुत सारी नई अचीवमेंट्स आई हैं, जिनमें से एक है सीजन वेटेरियन। तो ये अचीवमेंट कम्प्लीट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजीली कम्प्लीट हो सकती है ये अचीवमेंट। इसमें आप लोगों को करना क्या है, बहुत से लोग यहाँ कन्फ्यूज़ हैं। वो समझते हैं कि यहाँ सीज़न 2 से सीज़न 19 तक जिसने रॉयल पास लिया हो, अब जिन्होंने सीज़न 19 तक बिल्कुल रॉयल पास लिया ही नहीं है वो सोच रहे हैं कि हमारी अचीवमेंट किस तरह कंप्लीट होगी। लेकिन इसका ऐसा कोई चक्कर नहीं है। रॉयल पास में पार्टिसिपेट करना है मतलब आप लोगों ने गेम में लॉगिन किया हो सीज़न 2 से लेकर सीज़न 19 के दौरान, तो आपका ये जो पहला इसका पार्ट है ये वाला कम्प्लीट हो जाएगा। दूसरा पार्ट कंप्लीट करने के लिए आप लोग को अगला आने वाले सीज़न का वेट करना पड़ेगा। तो उसमें जब RS1 और RS2 होंगे उनमें से किसी में भी आपने पार्टिसिपेट किया, 1 में कर लिया या 2 में कर लिया, तो ये आपका अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था पिछली वीडियोज़ में कि एक मंथ 1 आएगा रॉयल पास और एक मंथ 2, दोनों का 50-50 RP होगा। तो मंथ 1 या मंथ 2 इनमें से किसी भी एक में आप पार्टिसिपेट कर लें, मतलब लॉग इन कर लें। अभी अगर मंथ 1 में आप लोग लॉगिन नहीं करते किसी वजह से बिल्कुल गेम को, और मंथ 2 में कर लेते हैं तो उससे भी आप लोग का ये अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये अचीवमेंट आप लोग की बहुत इजीली कंप्लीट हो जाती है। तो बस अभी दो दिन बाद आई थिंक रॉयल पास आएगा। कल रॉयल पास लॉक हो जाएगा और परसों नया रॉयल पास आएगा। तो आप लोग उसमें सिर्फ लॉगिन कर लें, एक बार पबजी में ID लॉगिन कर लें, और जो डेली 10 RP पॉइंट्स होते हैं तो वो कलेक्ट कर लें। उससे आप लोग की ये जो अचीवमेंट है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। मैंने अचीवमेंट्स पे बहुत सारी और वीडियोस भी बनाई हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।